स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं काला धतूरा के बारे में। काला धतूरा हमारी बीमारियों को ठीक भी करता है, इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं। साथ ही साथ ये पशुओं के रोग में भी काम आता है, पशुओं के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। गर्भवती महिलाएं यदि इसकी जड़ को बांध लें तो उन्हें प्रसव भी शीघ्र होता है। और इसके साथ साथ में तंत्र मंत्र के विद्या में उपयोगी माना जाता है। काले धतूरे का प्रयोग बहुत अधिक है। साथ ही साथ आप अपने घर में यदि काले धतूरे का पौधा लगाएंगे तो शुभ और मंगल होगा। जो निगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर में नहीं होगी और शांति, सुख, उन्नति, प्रगति, धन लाभ इत्यादि के लिए ये पौधा, इसके फूल, इसकी जड़ बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में रखने से शुभ और मंगल होता है। अब इसके लगाने की बात है तो ये आसानी से मिल जाता है, आप इसको खरीद सकते हैं या आपके आसपास में कहीं उगा हो तो ला के गमले में लगा लीजिए। और ये गमले में ही लगा है और इसमें बस समय समय पे पानी डालते रहिए, सूखे ना पौधा। और बस थोड़ी सी कंपोस्ट आप और डाल दीजिए इसमें, बहुत अच्छा ये ग्रो करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी होगी। हाँ, अभी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, आ भी चुकी हैं, फ्लावरिंग हो चुकी है, फिर से हो रही है। अगर ये बाय द वे आपके पौधे में थोड़े कीड़े मकोड़े लग जाएँ तो आप इसको बीच से कट कर दीजिएगा तो ये फिर से ग्रो करेगा। और इसको मैंने ऐसे ही ग्रो, एक बार ये थोड़ा ख़राब हो गया था तो मैंने इसको थोड़ा सा कट कर दिया था बीच से, जहाँ से थोड़ा कीड़े मकोड़े लग गए थे, तो फिर से ये अच्छा ग्रो किया इसने और फ्लावरिंग भी दोबारा हो रही है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। और नेक्स्ट जानकारी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।